हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट सर अनलिमिटेड स्टेडू वी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर साउंड ओके तो सबसे पहले चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे उसके बाद हम चैप्टर को जो है न्यूमेरिकल और उसकी एन भी सॉल्व करेंगे तो साउंड में सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड ठीक है ना इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड तो इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या कह रहा है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड क्या है एनर्जी का फॉर्म हुआ करता है लाइक हीट एनर्जी लाइक एनर्जी पोटेंशल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इट कॉजेज़ अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स ठीक ना जैसे जो हीट एनर्जी होती है लाइट एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है ऐसे साउंड भी है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ करता है इट कॉजेज़ अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स ये हमारे कानों में सुनने की एक सेंसेशन पैदा करता है साउंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर यस इंपॉर्टेंट लाइन है मार्क कर लीजिए साउंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओके बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म सिंस इट इज एनर्जी क्योंकि साउंड एक एनर्जी इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल साउंड के ऊपर भी लगेगा एग्जाम्पल वेन वी क्लैप द साउंड इज प्रोड्यूस्ड हियर मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इं टू द साउंड एनर्जी दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली तो जब हम क्लैपिंग करते हैं तो हमारे शरीर की जो मस्कुलर एनर्जी होती है वो साउंड एनर्जी में बदल जाती है ओके एंड देन मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू द साउंड एनर्जी सिमिलरली इन एन इलेक्ट्रिक बेल वेन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड हियर अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू द साउंड एनर्जी सो बेसिकली साउंड जो होता है वो कन्वर्जन से बनता है और एक प्रकार की एनर्जी जो है दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट होती है मतलब कोई दूसरे टाइप की एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है बोलो इतना समझ में आप सभी लोग को क्लियर है ओके okay. बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड की कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है सो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो साउंड के प्रोड्यूस होने की सबसे पहली वजह है वाइब्रेशन बच्चों हमारे सामने में जो भी चीज़ होती है वो अलग अलग वाइब्रेशन से वाइब्रेट करती हैं ओके okay? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर अपने पेन को वाइब्रेट करोगे कान के पास वाइब्रेट करो तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन सुनाई देंगे कुछ भी वाइब्रेट करिए ओके okay? वो वाइब्रेशन हल्के हल्के आपको कान के पास सुनाई देंगे अब वो एक्चुअली क्या है आपके वाइब्रेशन जो है बहुत छोटे हैं क्या है बहुत छोटे तो वो वाइब्रेशन इतने एनफ नहीं है मगर जब ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मीडियम के पार्टिकल से टकराने के कारण एक पर्टिकुलर साउंड क्रिएट हुआ करता है आई बात समझ में ना तो साउंड का मेन रीजन क्या है वाइब्रेशन साउंड जन्म किसकी वजह से लेता है वाइब्रेशन की वजह से ओके? पॉइंट स्लाइड पे आइए देखिए देखिए साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोशन ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स कॉज वाइब्रेशन ओके मोशन ऑफ द मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स कॉजेस वाइब्रेशन जो कोई भी चीज होती है अगर वो मोशन करती है तो वाइब्रेशन कॉज करती है वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट सेंट्रल पोजिशन इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑसिलेशन बताते हैं देखिए तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात हो रही है यहां पे हम सो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट साउंड जो है ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है अब बच्चों जो वर्ड मैंने यहाँ पे बोला आपको वाइब्रेशन ध्यान दीजिए प्लीज बातें मत करिए देखिए जो मैंने आपको वर्ड बोला है वाइब्रेशन और वाइब्रेशन कैसा मोशन है वाइब्रेशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल की, मतलब की जीरो पेंडुलम तो पेंडुलम जब स्टार्ट होता है तो सेंट्रल पोजिशन से स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पोजिशन इज कॉल्ड मेन पोजिशन ओके और अब जो पार्टिकल होता है आपका उस मेन पोजिशन के आंगे और पीछे जैसे पेंडुलम को आप अगर धक्का दोगे तो कैसा जाएगा पहले ये इधर से इधर जाएगा ओके यस यहां से ये सबसे ऊंचाई पर जाता है बच्चों ये कहलाती है मीन पोजीशन, जहां से ये स्टार्ट करता है और जिस पॉइंट तक जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, क्या बोलते हैं उसको एक्सट्रीम पोजीशन समझ में आ गया इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर कितना होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो और यहां पर कितना होता है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइएस्ट पॉइंट पर फिर इसके बाद ये वापस आता है और निगेटिव साइड में पीछे की तरफ वापस यहां जाता है ओके और वापस फिर अपनी जिंदगी का एक साइकिल पूरा कर लिया तो आपने देखा पेंडुलम का एक साइकिल देखा आपने यहां गया फिर वापस आया फिर इधर गया और फिर वापस आया ये जो पूरा का पूरा यहां से जाकर के वापस आना और अपनी मीन पोजीशन तक वापस आने में लगा समय बच्चों इस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड क्या बोलते हैं बच्चों टाइम पीरियड तो ये टोटल जो टाइम कहलाता है वन वाइब्रेशन का उसको टाइम पीरियड कहते हैं तो अपनी कॉपी में नोट करिए क्वेश्चन बनेगा डिफाइंड टाइम पीरियड क्वेश्चन बनाइए डिफाइंड टाइम पीरियड एग्जाम में आता है डिफाइंड टाइम पीरियड ऑफ एन वाइब्रेशन कह लो या ऑक्सीलेशन कह लो दोनों एक ही चीज है ऑफ ए वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन कह लो एन आएगा एन ऑक्सीलेशन डिफाइंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन सो मतलब क्या बच्चों ऑसिलेशन का ओके okay. तो क्या है वाइब्रेशन करती हुई बॉडी का द टाइम टेकन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाई एन ऑसिलेटिंग बॉडी कोई ऑसिलेटिंग बॉडी या कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है उसको एक वाइब्रेशन करने में या एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है दैट टाइम इज़ कॉल्ड व्हाट दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड दैट टाइम इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड आगे बात समझ में ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ है आपके हाथ को यहाँ से ले जाइए फिर वापस जाएगा हाथ आपका और फिर अपनी पोजिशन पर आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या टाइम पीरियड टू कवर वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड वन टाइम पीरियड किसको ओ वेट ओके तो देखिए ओके okay, तो आपको समझ में आ गया वन टाइम पीरियड की नहीं आया बताइए आ गया ना एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं वन टाइम पीरियड ओके सो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोशन ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड वाइब्रेशन अब वाइब्रेशन क्यों होता है कि कोई भी चीज अगर मोशन करती है सो एक्चुअली वाइब्रेशन भी क्या है वाइब्रेशन इज अ टाइप ऑफ मोशन वाइब्रेशन भी क्या है इब्रेशन इज अ टाइप ऑफ मोशन क्या मुझे बता सकता है कोई कि वाइब्रेशन में जो मोशन होती है उस मोशन को क्या बोलते हैं वाइब्रेशन में जो मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं उस मोशन नहीं उस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन टू एंड फ्रो क्या बोलते हैं बच्चों हाँ आगे और पीछे मतलब एक पोजीशन होती मेन पोजिशन मेन पोजिशन के आगे और पीछे इस तरीके से कुछ वाइब्रेट होता है ये मीन पोजीशन है उसके आगे और उसके पीछे इसको बोलते हैं अपन टू एंड फ्रो इधर को बोलते हैं टू और बैक जाने को बोलते हैं क्या फ्रो तो जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं वो टू एंड फ्रो मोशन से बनती है द मोशन ऑफ द मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉज वाइब्रेशन वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड एंड रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ये देखो लिखा हुआ अंडरलाइन करिए वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन रैपिड मतलब जल्दी जल्दी टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे का मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ सेंट्रल पोजिशन बच्चों सेंट्रल पोजिशन का ही नाम मैंने क्या दिया है इसी को बोलते हैं मीन पोजिशन अभी इसका नाम सेंट्रल पोजिशन है बट क्लास एलेवेंथ में इसका नाम मीन पोजिशन आप पढ़ेंगे इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑसिलेशन और इसी मोशन को क्या बोलते हैं ऑसिलेशन तो आपके नॉलेज के लिए चाहे आपको कोई टू एंड फ्रो मोशन कहे या आपको कोई वाइब्रेशन कहे या आपको कोई ऑसिलेशन कहे, कहे बात बराबर है डन फॉर एग्जाम्पल अस्ट्रेच्ड रबर बैंड वेन प्लगड वेन प्लगड वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड एग्जैक्टली बच्चों आप अपने कान के पास में कोई स्ट्रेच्ड रबर बैंड को ले जाइए ओके okay? और या क्या काम करिए अपने कंपास में एक रबर बैंड को स्ट्रेच करके बांध लीजिए जो आपका कंपास हुआ करता है स्कूल का स्कूल का कंपास ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसमें आप एक ये कंपास है जैसे आपका इसमें आप क्या करिए अब इसमें आप एक रबर को बांध लीजिए बातें नहीं करिए प्लीज़ इसमें आप एक रबर को बांध लीजिए अब इस रबर को बांधने के बाद आप यहां से इसको प्लग करिए और खींच दीजिए जैसे ही आप खींचेंगे तो आप देखे होंगे इसमें टर्र की आवाज़ आती है आती कि नहीं आती है और हाँ इसमें आप टर्र ट्रर्र की आवाज़ आती है आपने इसको बहुत स्कूल में बहुत इसके मतलब करे होंगे मजे लिए होंगे इसका इस गेम का छोटे से गेम का इसमें हाँ इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाज़ आती है हाँ वो लगने वाला एक अलग केस है जिसमें आप इसकी एनर्जी का यूज़ करके आप किसी को मार भी सकते हैं है ना चोट भी पहुँचा सकते हैं बहुत हर्ट होता है बट अभी हम वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं अभी हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक तार बांध देते हैं या बहुत रबर बांध देते हैं और उस रबर को हम अलग अलग दिशाओं से खींचते हैं तो आपने देखा होगा रबर बहुत रैपिड वाइब्रेशन करता है तो जो आपको साउंड दिखाई देता है एग्जैक्टली जो गिटार है वो इसी बेस पर बना हुआ है और गिटार की अलग अलग डोरियों में अलग अलग लेवल का टेंशन होता है तो अलग अलग लेवल का टेंशन अलग अलग लेवल का साउंड क्रिएट करता है यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर टेंशन अलग अलग होगा तो साउंड भी अलग अलग होगा मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी जो होती है साउंड की वो किस पर डिपेंड करती है टेंशन पे। समझ में आ रहा जो अलग अलग टेंशन होगा वो अलग अलग साउंड भी क्रिएट करता है आप अगर कभी तबला बजाए हो तो आपने देखा होगा दो प्रकार के तबले होते हैं एक बड़ा वाला तबला होता है और एक छोटा वाला तबला होता है तो बड़े वाले तबले में जो साउंड आता है वो भम का साउंड आता है और जो छोटा वाला तबला होता है उसमें टक 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 थोड़ा पतला साउंड आता है तो छोटे वाले की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है और बड़े सॉरी छोटे वाले तबले की फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है और बड़े वाले की फ्रिक्वेंसी क्या होती है कम होती है क्योंकि बड़े वाले तबले में आपके पास में ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ना इसके इसके कम हुआ करते हैं और जो छोटा वाला तबला होता है उसके वाइब्रेशन क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं तो उसका जो साउंड होता है देखा होगा आपने बड़ा श्रिल क्रिएट होता है टक टक सा मजेदार साउंड होता है मतलब अगर आपको स्कूल में शैतानी करने का मौका मिले और आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा तबला बजाओगे बड़ा वाला कि छोटा वाला तो मेरी पूछोगे तो मैं छोटा वाला तबला बजाऊंगा क्योंकि उसका साउंड बहुत तेज होता है हाँ आप टेबल में भी ये काम कर सकते हैं अच्छा आप मुझे बताइए टेबल से बताइए कि ज़्यादा वाइब्रेटिंग साउंड किस टेबल में क्रिएट होगा लकड़ी की टेबल में या स्टील की टेबल में एग्जैक्टली <स्टीज़ी> exactly. स्टील की टेबल में वाइब्रेट वाइब्रेशन देर तक होता है हाँ वो सॉलिड होता है और सॉलिड में जो सॉलिड में जो लेयर्स होती हैं वो काफ़ी देर तक वाइब्रेट होती हैं इसलिए उसका साउंड भी काफ़ी देर तक एग्जिस्ट करता है ओके उसका साउंड काफ़ी देर तक एग्जिस्ट करता है और तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे हाँ इसमें जो साउंड क्रिएट होगा मतलब एक निश्चित समय तक के लिए फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती रहेगी तब तक क्रिएट होगा मगर उसमें काफ़ी देर तक साउंड उत्पन्न होता रहेगा क्योंकि आपके हाथ मारने के बाद भी उसमें थोड़े से वाइब्रेशंस तब भी बने रहते हैं उन वाइब्रेशंस को बोलते हैं हारमोनिक्स क्या बोलते हैं हारमोनिक्स समझ में आ गया ना उन वाइब्रेशन को बोलते हैं हारमोनिक्स मतलब कुछ ऐसा समझो कि जैसे आपने तालाब में पत्थर मार दिया बच, बच्चों बात नहीं करूँ आपने तालाब में पत्थर मार दिया आप तालाब में पत्थर मार करके अलग हो जाते हैं आपकी वेब तो आगे बढ़ती रहती है मगर आपने देखा होगा उसके बाद भी उस जगह पर छोटी छोटी वेब्स अपने आप पैदा होती रहती हैं। इनको बोलते हैं हम हारमोनिक्स क्या बोलते हैं इनको हार्मोनिक्स वो आगे आएगा वो आगे की बात है हायर क्लासेस की फिलहाल आगे बढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल आ स्ट्रेस्ड रबर बैंड वैन प्लग्ड वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड बिल्कुल सही बात है जब एक खिंची हुई रबर की डोरी को आप ट्र करते हैं उसको प्लक करते हैं तो यहाँ पर साउंड क्रिएट होता है आइए नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी टू शो दैट वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड अब एक एक्टिविटी लेते हैं जिसमें हमको पता चलेगा कि वाइब्रेटिंग साउंड जो होता है वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस किया करती हैं ओके okay, देखिए इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट के लिए आपको लैब में आपने कभी ट्यूनिंग फॉर्क देखा लैब में ट्यूनिंग फॉर्क ट्यूनिंग फॉर्क नहीं देखा वेट थोड़ा सा कीजिए मैं आपको ट्यूनिंग फॉर्क दिखाता हूं देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं ये देखिए ये क्या है ये ट्विंग फॉर्क है ये आपके हैं। आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं ओके और इनका काम क्या होता है इनका काम होता है अलग अलग फ्रिक्वेंसी जनरेट करना इनके ऊपर कुछ डिजिट लिखे हुए हैं आप ध्यान से देखें अपने मोबाइल स्क्रीन पे तो देखिए इनके ऊपर कुछ डिजिट लिखे हुए हैं है ना वन ट्वेंटी एट है फिर इसके बाद टू फिफ्टी सिक्स है फिर फाइव हंड्रेड ट्वेल्व है फिर वन जीरो टू फोर है जस्ट डबल डबल होते जा रहे हैं देख रहे हैं आप हाँ तो ये जो हैं ये इनकी फ्रिक्वेंसी लिखी हुई हैं ये इतनी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर जनरेट करते हैं अब देखिए इसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है जब आप इनको बजाते हो कैसे बजाते हो मैं इसका एक्सपेरिमेंट का आपको सेटअप समझाता हूँ तभी आपको क्लियर होगा देखिए ये आपके पास में ट्विनिंग फॉर्क है ओके और ट्यूनिंग फॉर्क को ट्यून करने के लिए सॉरी ट्यूनिंग फॉर्क को एक्टिवेट करने के लिए इसको आपको जर्क देना पड़ता है मतलब किसी चीज में मारना पड़ता है ट्रिंग तो आपके पास एक होता है जिसको बोलते हैं उसके पास एक, उसके बाद एक एक पास रबर पैड होता है ट्यूनिंग फॉर्क को झटका देने के लिए क्या होता है रबर पैड है ना क्या होता है रबर पैड जिसमें आप उसको आकर के ट्यूनिंग फॉर्क को किट मारेंगे तो आपके पास जो फॉर्क होता है ना ये फॉर की जो आर्म्स हुआ करती हैं ये जो फॉर की आर्म्स हुआ करती हैं ये वाइब्रेट होना बड़े जोरों से शुरू हो जाती हैं ये जो आपको दिख रही हैं आर्म्स इसकी ये वाइब्रेट होना बहुत तेजी से शुरू हो जाती हैं हो सकता आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे बट ये बहुत जोर की वाइब्रेट होती हैं अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया गया है आप देखिए उस एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है यस तो स्ट्राइक अब प्रोंगस प्रॉन्स क्या होता है इनको प्रोंक्स बोलते हैं ये जो इसके दो है ना दो सिरे दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं प्रॉन्क्स हाँ स्ट्राइक द ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द रबर पैड एंड ब्रिंग इट नियर ईयर और इसको आपने कान के पास में लाओ आपको एक अलग साउंड सुनाई देगा और अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क के साउंड भी अलग अलग सुनाई देंगे अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क के साउंड भी कैसे सुनाई देंगे अलग अलग ठीक है ना वी कैन हियर अ साउंड वी कैन हियर अ साउंड हम एक साउंड सुन सकते हैं अब

यहां पर जैसे ही लटकाएंगे उससे टच होगा ये वाइब्रेट हो रहा भले आपको नहीं दिख रहा है बहुत जोर से वाइब्रेट हो रहा होता है अगर जैसे ही बॉल इसको टच करती है तो ये बॉल क्या हो जाएगी स्ट्राइक करके दूर चली जाएगी अवे और ये बार फिर से वापस आएगी और फिर दूर चली जाएगी दिस शोज दैट द प्रोंग इज वाइब्रेटिंग एंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड क्योंकि उसी का साउंड आपके कानों में सुनाई देता है अ ट्यूनिंग फॉर्क इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन लेबोरेटरीज टू परफॉर्म साउंड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट तो आपके स्कूल की लेबोरेटरी में जरूर होगा अपने टीचर्स को बोल करके देखिए कि सर ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है और अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे बजते हैं उनके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर साउंड क्रिएट होते हैं आप उन साउंडस को सुन सकते हैं ओके डन चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ हाउ सर्टेन साउंडस आर प्रोड्यूस एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ सर्टेन साउंडस आर प्रोड्यूस हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कुछ साउंड अलग अलग कैसे प्रोड्यूस होते हैं इन एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देयर इज अ वाइब्रेटिंग पार्ट विच प्रोड्यूसेज द साउंड बच्चों जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक वाइब्रेटिंग पार्ट होता है दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिना वाइब्रेटिंग पार्ट के कभी बना नहीं है देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं नेचुरल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं जैसे पहले क्या था हारमोनियम हारमोनियम को इलेक्ट्रॉनिकली की बना दिया गया बट पहले हारमोनियम था तो हारमोनियम में क्या हुआ करते थे पर्दे हुआ करते थे क्या होते थे अंदर पर्दे अगर हारमोनियम खोल करके देखा हो अपने तो कागज के पर्दे लगे रहते हैं शीट्स लगी रहती हैं ओके तबले में क्या होती है ऊपर लेयर लगी रहती है क्या लगी रहती है लेयर चमड़े की कोटिंग चमड़े की कवर उस हाँ वही वो, वो ब्लैक ब्लैक जो होता है वो साउंड क्रिएट करने के लिए बेस क्रिएट करने के लिए उसके ऊपर रखा जाता है इन एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देयर इज अ वाइब्रेटिंग पार्ट विच प्रोड्यूस साउंड इन केस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट द एयर कॉलम वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड अब आप बोलेंगे सर हाँ बांसुरी में तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं कि बांसुरी में क्या वाइब्रेट होता है सीटी वाइब्रेट होती है हवा वाइब्रेट होती है क्यों क्योंकि बांसुरी में ये होल बने होते हैं ये होल जो होते हैं ये एयर के प्रेशर को बदलते हैं एयर के प्रेशर को बदलते हैं जिसके कारण बांसुरी में क्या बदलती है एयर हवा वाइब्रेट होती है कौन वाइब्रेट होती है हवा वाइब्रेट होती है समझ गया ना जैसे आप सीटी बजाते हैं तो सीटी इसमें क्या होता है हवा का वाइब्रेशन होता है किसका होता है हवा का वाइब्रेशन कोई कोई अलग अलग टाइप की सीटी बजा लेता है तो वो डिपेंड करता है कि वो अपने मुंह को कैसे खोल रहा है किधर से वो होल बना करके जो होता है सीटी को प्रोड्यूस करता है है ना आपने देखा होगा अलग अलग तरीके की सीटी बजाने वाले लोग होते हैं कोई तो बहुत अच्छी सीटी बजा पाता है हम लोग बहुत अच्छी नहीं बजा पाते कोशिश करने के बाद भी ओके <laughs> <laughs> okay, इतना ही बजा पाते हैं ठीक है बहुत बढ़िया तो ये होते हैं ओके अगला देखिए इन स्ट्रिंग हम बात करते हैं गिटार की वायलिन की सितार की इन स्ट्रिंग म्यूजिकल इन स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार वीना एटसेट्रा देयर इज अ टाइटली स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड आपने देखा होगा गिटार अपना हो गया सितार हो गया वीना हो गया इसमें अलग अलग थिकनेस के वायर होते हैं कुछ एक मोटे होते हैं और एक क्या होते हैं पतले होते हैं और सब अलग अलग लेवल पे टाइट हुआ करते हैं अलग अलग लेवल पे टाइट होते हैं तो अलग अलग लेवल पे टाइट वायर और अलग अलग मोटाई का वायर अलग अलग फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है बिल्कुल अलग अलग मोटाई के वायर हुआ करते हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी क्रिएट किया करते हैं और आप उनको कस करके फ्रिक्वेंसी को कम और ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपको हाई बीट का गाना बजाना है तो आपको तार को कसना पड़ेगा और अगर आपको लो बीट का लो फ्रिक्वेंसी का गाना बजाना है तो आपको तार को क्या करना पड़ेगा ढीला करना पड़ेगा ओके जब आप किसी भजन वगैरह में गा रहे होते हो या बजा रहे होते हो तो आपको लो बीट में गाना बजाना पड़ता है टोंग 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 टो बट जब किसी कंसर्ट में म्यूजिकल कंसर्ट में तो उसको तार को टाइट करना पड़ता है टिंग 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 ये क्या हो रही है ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है क्या हो रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है टिंग 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 टिंग, टिंग टौं 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 टौं। ये क्या हो रही है फ्रीक्वेंसी घट रही है ये क्या हो रही है फ्रीक्वेंसी घट रही है तो ये डिपेंड करती है कि आप कैसा तार इस्तेमाल कर रहे हो और कैसी वायर आप ए, उसमें टाइटनेस कितना है उसका वायर का डन ओके okay. और मैं आपको बता दूं बच्चों कि ह्यूमन का जो ईयर हो सकता है लिख लीजिए अपनी कॉपी में हमारी जो कानों की सुनने की क्षमता है वो ट्वेंटी हर्ट से लेकर के ट्वेंटी किलो हर्ट यानी कि बीस हजार हर्ड्स तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं इनको हम बोलते हैं सोनिक फ्रिक्वेंसी इनको हम बोलते हैं सोनिक ओके हाँ इसी के अंदर होती है मगर हाँ इसी के अंदर हुआ करती है जो भी हमको चीजें सुनाई दे सकती हैं इंसानों को वो इसके अंदर होती है ट्वेंटी हट से लेकर के ट्वेंटी किलो हट्स तक की चलिए इसको देखेंगे तो ट्वेंटी लेकर ट्वेंटी किलो हट्स तक ये कौन सी फ्रिक्वेंसी सोनिक है इससे जो कम होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक और इससे जो ज्यादा होती है वो क्या होती है अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक हाँ, पहला सोनिक है इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक हाँ बच्चों आपको जानना चाहिए यह बात कि कभी भी मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो माँ वेरिफिकेशन कराती है अपने वॉर्म का चेक कराती है कि बेबी है उसके अंदर या नहीं है तो उसके लिए वो क्या कराने जाती है अल्ट्रासोनिक क्या कराने जाती है अल्ट्रासाउंड कराती है तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वही इसी अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी पर ही बेस्ड होता है वो ऊपर से ऊपर से एक कुछ हाथ में लेकर के डॉक्टर्स जो होते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज भेजते हैं अंदर वहाँ से वो रिफ्लेक्शन हो करके आती है तो उसका इमेजिन होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसका क्या बनता है ग्राफ बनता है तो दिखता है कि अंदर जो है बेबी है या नहीं है है ना तो वहाँ से पता चल जाता है यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो भी पता चल जाता है इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के और कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और कई सारे यूजेस होते हैं हार्ट में क्लॉट वगैरह का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हाँ इंफ्रासोनिक जो रेज होती हैं वो जो अपने इंसेक्ट होती हैं जो बीज हुआ करती मक्खियाँ वो ये लोग इस पर अपना कम्युनिकेशन करती हैं है ना हाँ को देखो आ, ये, ये थोड़ा सा पढ़ने का विषय मगर जहां तक इनको इंफ्रासोनिक होनी चाहिए ओके देखो देखो ऐसा नहीं होता है वो लोग उसको सेंस करते हैं ये ना मत समझ लेना कि, कि किसी चीज को मैं बोल दूं कि वो लोग इस पर कम्युनिकेट करते हैं ये नहीं सोचना कि कुत्ते लोग हमको इसलिए सुनाई नहीं देते क्योंकि वो इंफ्रासोनिक में कम्युनिकेट करते हैं ऐसा कुछ नहीं है वो लोग इसको सेंस करते हैं और रही बात सांप की तो सांप जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो हमारी हीट वेव्स को सेंस किया करते हैं भुगते तो, तो के पास नहीं होते हैं चलिए तो ओके देखिए इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाई ह्यूमन के अंदर जो होता है, से होता है, हमारे, तो आप जानते हो ना हाँ उसके अंदर क्या होती वोकल कॉर्ड क्या होती है हाँ तो वोकल कॉर्ड हमारे अंदर वो वाइब्रेट हुआ करती है और जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है वी हियर साउंड विद अवर ईयरस वेन अ बर्ड फ्लैप्स विद इट्स विंग साउंड इज प्रोड्यूस जब कोई भी बर्ड होती है और अपनी विंग्स को फ्लैप करती है तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है अब बात करते हैं बच्चों ये तो था साउंड का प्रोडक्शन की साउंड क्रिएट कैसे होता है अब हम बात करते हैं प्रपोगेशन ऑफ साउंड तो चलिए प्रपोगेशन ऑफ साउंड पढ़ते हैं Uh, तो क्या होता है प्रपोगेशन ऑफ साउंड साउंड का ट्रैवल करना जो होता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होता है द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रपोगेशन ऑफ साउंड साउंड के ट्रैवल करने को ही हम प्रपोगेशन ऑफ साउंड कहते हैं और आप इस चीज़ को जानते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ बट साउंड आपके कानों तक पहुँच रहा है तो आप जानना चाह रहे होंगे कि सर आपका साउंड मेरे कानों तक कैसे पहुँच रहा है तो इस चीज़ को ओके okay, बिल्कुल सही एयर पार्टिकल की वजह से पहुँचता है और इस चीज़ को हम जानेंगे कि साउंड किस तरीके से प्रपोगेट करता है साउंड इज़ प्रपोगेट बाई द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम यस बिल्कुल सही आप जिस मीडियम में बैठे हैं जैसे हम बैठे हैं तो कौन सा मीडियम हमारे बीच में एयर तो हमारे बीच में एयर का मीडियम है अब जैसे मैंने कोई बात बोली बच्चों ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे यहां से मेरा माउथ है ओके ये देखिए ये माउथ है और मैंने यहाँ से कोई बात बोली है तो मैंने अलग अलग फ्रिक्वेंसी दी है और उस फ्रिक्वेंसी के कारण एयर पे पार्टिकल अलग अलग वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे हैं ओके okay? जैसे मान लो मैंने कोई शब्द बोला का तो का वर्ड का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है कि का बोलने में मीडियम के पार्टिकल इतनी फ्रीक्वेंसी डांस करेंगे सपोज मान लो ट्वेंटी हड्ड सपोज मान लो का की फ्रीक्वेंसी कितनी ट्वेंटी हर्ड ट्वेंटी हड्स मतलब एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन ट्वेंटी ट्वेंटी हर्ड्स का मतलब समझ लो अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि आपकी फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी हर्ड्स है मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन ट्वेंटी वाइब्रेशन बीस हर्ड्स तो यदि मैंने का बोला हर्ट्स हर्ट हाँ फ्रिक्वेंसी हर्ट्स जो होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है लिख लो हाँ एसआई यूनिट मतलब हर्ट्स में अपन फ्रीक्वेंसी को नापते हैं एक सेकंड में आप कितने चक्कर लगा रहे उसको वाइब्रेशन बोलते हैं उसी को अपन नापते हैं फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म इन वन सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड ओनली नॉट अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड ऐसा लिख लो इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इन वन सेकेंड ओके तो शक्तिमान मान लो अपनी प्लेस पे खड़े हो के एक सेकेंड में पचास बार चक्कर लगाता तो शक्तिमान की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई फिफ्टी हट्स कितनी हुई फिफ्टी हर्ट्स तो मान लीजिए मैं मैं किसकी बात कर रहा था से मैं से मैंने का का बोला तो मेरे का बोलने से जो वाइब्रेशन तो क्रिएट तो मेरा ट्वेंटी हर्ट्स का यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा ये वाइब्रेशन सबसे पहले किसके टच में आएगा बेटा इधर के पास वाली एयर के आएगा इधर के पास वाली एयर के टच में आएगा अब ये जैसे ही मेरा वाइब्रेशन पास वाली एयर के टच में गया तो एयर के अंदर क्या पार्टिकल है तो मेरा, मेरा वाइब्रेशन कितने का आगे तो तो वाले को पास करेंगे ऐसे ऐसे करते 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 ये वाइब्रेशन पास होते होते आपके कानों के पास पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे बिल्कुल पहुंचेंगे ट्वेंटी हर्ट के बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा उतने कई पहुंचेंगे जितने का आप बोल रहे हो इतने को ही पहुंचेंगे जितने का आप बोल रहे हो जैसे वो आपने देखा होगी वो आ, वो बैटन होती है ना मैराथन में लेकर के टॉर्च लेके दौड़ते हैं ना तो एक इंसान दूसरे को देता जाता है दूसरे को तीसरे को देता जाता है सो नो तो जैसे वो बैटन चलती रहती है टॉर्च चलती रहती है आगे देखिए वो चीज अलग है मैं बताता हूँ वो चीज क्या है अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो आप चिल्ला रहे हैं सुनो तो भाई बता रहा हूँ वो तो आप ऐसे कहेंगे कि सर यदि आप यहां से चिल्ला रहे हैं तो आपकी जो साउंड है वो एक समय के बाद आपके बहुत सारे लोगों को सुनाई नहीं देगी काफी दूर के बाद तो सुनिए दो चीजें होती हैं मेरी साउंड में एक है फ्रिक्वेंसी और दूसरा है एम्पलीट्यूड क्या है जी एम्पलीट्यूड साउंड की जो लाउडनेस होती है जैसे मैं आपके सामने बोलूँ हेलो हेलो ये क्या है लाउडनेस है hello. और इसी को मैं बोलूं हेलो हेलो ये लाउडनेस कम हो गई तो पहले वाले में, में मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा था पहले वाले में मेरा एम्पलीट्यूड क्या था फ्रीक्वेंसी मगर दोनों में सेम है हेलो 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 क्योंकि मेरा हेलो दोनों बिल्कुल सेम सेकंड में कंप्लीट हो रहा है हेलो यस ऑन नो ठीक है ना हेलो 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 कंप्लीट हो रहा है ना केवल केवल क्या हो रही है एम्पलीट्यूड बदल रही है समझ रहे हैं ना मगर फ्रीक्वेंसी हर बार क्या है सेम है तो आप देखिए जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है मगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मतलब जो पास में है उसको मान लो कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड मिलता इतना लंबा चौड़ा देखो दूसरे वाले को आगे गया तो बेचारे को इतना मिला तीसरे वाले को आगे गया तो बेचारे को इतनी एम्पलीट्यूड मिली चौथे वाले को इस तरीके से मिली और पांचवे वाले तक जाने में एम्पलीट्यूड बिल्कुल मर गया तो एक चीज समझिए कि फ्रिक्वेंसी नहीं मरती है कौन मरता है एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो जाता है जीरो हो जाता है समझ में आ गया ना हाँ अब अब एम्पलीट्यूड ही मर गया तो बिचारी फ्रिक्वेंसी का रोल क्या बचा तो मतलब आप जो सोच रहे हैं कि हमें यहां से इस कमरे में से तीसरे कमरे में क्यों नहीं सुनाई देता एक्चुअली फ्रिक्शन जो लगता है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर लगता है एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाता है देखिए साउंड वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई साउंड तो एनर्जी का फॉर्म है वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी ओके okay? हाँ साउंड हर तरफ में जा रही है इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है वो एक अलग विषय उस पर बाद में बात करेंगे आइए जहां पर थे वहीं पर चलते हैं वेन एन साउंड इज प्रपोकेटेड बाई द टू एंड फ्रो मोशन पार्टिकल ऑफ द मीडियम आपने देख लिया मतलब मैंने जो साउंड निकाला जिस फ्रिक्वेंसी का है एयर के पार्टिकल उसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट होने लग गए और वही वाइब्रेशन करते 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 वो वाइब्रेशन आपके कानों में पहुंचा और जब वो वाइब्रेशन आपके कान के ईयर ड्रम से टकराएगा किससे टकराएगा ईयर ड्रम से तो वही ईयर ड्रम जो होता है आपको सेंस कराता है कि ये साउंड आ रहा है ठीक है ना जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपके घर में देखा होगा बूफर बॉक्स होगा तो बूफर बॉक्स के आगे देखा होगा एक वो लगा रहता है स्पीकर के सामने ड्रम लगा रहता है ड्रम लगा रहता है और वही अप एंड डाउन बहुत जोर जोर से शेक करता है देखा आपने यस yes. और उसी के कारण साउंड निकलता है अगर आप उसको फाड़ देंगे तो क्या साउंड बनेगा कभी नहीं अगर वो फट गया तो उससे साउंड नहीं बनता है। तो ड्र, ड्रम का, का काम क्या होता है ड्रम का, का काम होता है कि जो वाइब्रेशंस आपके आ रहे हैं समझ गए ना जो वाइब्रेशंस आपके आ रहे हैं उनसे साउंड क्रिएट करना क्या करना साउंड क्रिएट करना ठीक है ना यस यस देखिए अब ये हो गया सो वेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट सेट पार्टिकल ऑफ़ द मोशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग ईच पार्टिकल डिस्टर्ब द पार्टिकल ईच पार्टिकल डिस्टर्ब द पार्टिकल दस द डिस्टर्बेंस इज कैरीड फ्रॉम वन सोर्स द सोर्स टू द लिस्नर बच्चों समझ में आ गया आपको जो मैंने कहा कि मैंने यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का ये ये डिस्टर्बेंस जो है पार्टिकल टू पार्टिकल जा करके इधर से उधर उधर से अगले वाले को अगले से अगले वाले को एंड फाइनली जा करके लिसनर के कान में जो पार्टिकल बैठा हुआ है उसको जा करके इफेक्ट करेगा समझ में आया मतलब ये समझिए कि यहां से बहुत सारे पार्टिकल निकल रहे हैं मैं जिनको बोल रहा हूं बहुत सारे पार्टिकल मेरे साउंड के वाइब्रेशन को लेके जा रहे हैं बट कोई वाइब्रेशन जा करके आपकी नाक की टिप को भी टकरा रहा है बट वो यूजलेस है वो क्या है यूजलेस है भले वो वाइब्रेशन लेकर के आ रहा है और आपके नाक को टकरा रहा है इतना हल्का वाइब्रेशन है कि ट्वेंटी हर्ट्स का वाइब्रेशन और वो भी नाक के बराबर पार्टिकल का मास है तो आपकी नाक को मोड़ नहीं पाएगा आपकी नाक को ये नहीं कि यहां से पकड़ के ऐसे घुमा दे ऐसा नहीं कर पाएगा हाँ मगर जो कान में ड्रम होता है ड्रम बहुत सेंसिबल होता है इसलिए उसको कान का पर्दा जो होता है उसको वो जाके वाइब्रेट कर देता है देख लीजिएगा दिखा देंगे किसी दिन नहीं नहीं इसमें गूगल इमेज में देख लेंगे कोई बड़ी भी बात नहीं है ठीक है ना आपने देखा होगा ईयर ड्रम चलिए ईच पार्टिकल डिस्टर्ब द पार्टिकल द डिस्टर्बेंस कैरीड फ्रॉम द वन सोर्स टू द अनदर द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम बट पार्टिकल डू नॉट मूव फॉरवर्ड दल्व द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम बट पार्टिकल्स डू नॉट मूव फॉरवर्ड सेल्स बच्चों एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे आई आप देखिए क्या हो रहा है यहां पर ये यह कह रहा है कि डिस्टरबेंस तो ट्रेवल होता है मगर मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह से हिलते नहीं है जैसे मान लीजिए आपके पास रस्सी है रस्सी में आपने यहां से जर्क मारा तो जर्क मारने पर क्या होगा जर्क मारने पर यह रस्सी यहां से लेके इधर पे वाइब्रेट हो जाएगी बोलो हो जाएगी कि नहीं होगी ऊपर नीचे बट क्या ये बताइए रस्सी का जो यहां पर का मास रहता है क्या उछल करके यहां चला जाता है कि नहीं जाता कभी नहीं जाता है मतलब पार्टिकल वहां का वाइब्रेट हो जाएगा और वाइब्रेट अपने नेबरिंग पार्टिकल को वाइब्रेशन सेंड कर देगा ये अपने पड़ोस वाले को दे देगा ये फिर ये वाइब्रेट करेगा फिर ये पड़ोस वाले को दे देगा तो ये वाइब्रेट करेगा मगर पार्टिकल अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा समझ में आया क्लियर हुआ बच्चों मतलब मास कभी शिफ्ट नहीं होता है वे प्रपोगेशन में कभी मास का ट्रांसफर नहीं होगा मगर एनर्जी का ट्रांसफर होगा और मोमेंटम का ट्रांसफर भी होगा मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी मास इनटू देख लो ध्यान से बच्चों पहले इसके पास वेलोसिटी थी बट बाद में जैसे ये जर्क पूरा हो जाएगा ये जर्क आगे ट्रांसफर हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो मतलब मास ट्रांसफर नहीं हुआ है मगर एनर्जी ट्रांसफर हुई है और मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है और ये काम केवल वेव कर सकती है क्या कर सकती है वेव सो साउंड इज अ वेव ओके okay, डन आ गया समझ में अगला अगली बात करते हैं बच्चों कि साउंड जो होता है साउंड इज अ मैकेनिकल वेव व्हाट व्हाट टाइप ऑफ वेव साउंड इज मैकेनिकल वेव ओके सो व्हाट आर मैकेनिकल वेव गाइस द वेव्स विच नीड विच नीच मैकेनिकल मीडियम ऐसी वेव्स जो ट्रेवल करने के लिए मैकेनिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जिनको पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल वेव कौन सी वेव बोलते हैं मैकेनिकल वेव जिनको पार्टिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है लिखिए डिफाइन मैकेनिकल वेव मैकेनिकल वेव द वेव्स नीड द वेव्स नीड मीडियम मीडियम और मटीरियल और मटेरियल फॉर द प्रपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स फॉर देयर प्रपोगेशन फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव बच्चों वहाँ बैठ जाऊँ आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ओके डन सो चलिए बात करते हैं देखिए हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव क्योंकि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, है. बिना मीडियम के साउंड वेव ट्रेवल नहीं होगी आप वैक्यूम में जा के बोलेंगे तो आपकी आवाज़ दूसरे तक पहुंचेगी ही नहीं क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम है नहीं एयर है ही नहीं है और जब एयर नहीं होगी तो मेरी फ्रिक्वेंसी को लेके कौन टक्कर पे टक्कर मारेगा क्या कोई मेरी फ्रिक्वेंसी को लेके कर कन्वे करेगा क्या कोई मेरी आवाज़ के वाइब्रेशन को लेकर के कन्वे करेगा कोई है ही नहीं है इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिकल है ही नहीं है इसलिए साउंड वेव कैसी वेव होती है मैकेनिकल वेव और साउंड वेव को ट्रेवल होने के लिए मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए है ना चाहिए यस एग्जैक्टली एयर पार्टिकल yes, exactly. particle, है ना अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेशन ऑफ साउंड वेव साउंड के लिए मीडियम होना बहुत जरूरी है द मैटर और सबस्टांस थ्रू विच द साउंड इज ट्रेवल्ड इज कॉल अ मीडियम द मीडियम कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस एग्जैक्टली द मीडियम कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम यस एग्जैक्टली यार कोई आप बहुत अच्छे से कन्वे करेगा लोहे की रेल की पटरी में आप जो है ट्रेन आती है तो बहुत दूर से सुनाई देती है ना बिकॉज वहां पर किसी ने हथौड़ा हाँ मारा तो वो ठन पार्टिकल वाइब्रेट होते होते एंड पे आएंगे कि नहीं आएंगे तो सॉलिड की पार्टिकल तो बहुत बढ़िया वाइब्रेट होंगे एक कोने से दूसरे कोने तक चलिए देखते हैं द मैटर ऑफ द सबस्टांस थ्रू विच इधर सुनो द मैटर ऑफ सबस्टांस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन कॉल मीडियम द मीडियम कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल इन अ वैक्यूम ट्रू वैक्यूम रेफर्स टू द कंप्लीट एबसेंस ऑफ द मैटर यू नो वैक्यूम देर इज नो मैटर ओके नो गैस नो सॉलिड नो लिक्विड पार्टिकल दैट इज कॉल्ड हाँ कोई सब एटोमिक नहीं यार दुनिया का कोई भी पार्टिकल ना हो सब एटोमिक में कहा चले गए कुछ भी नहीं होगा वहां पर साउंड वेब्स कैन ट्रेवल ऑनली थ्रू द मैटर सो साउंड नीड्स आ स्पेशल फिजिकल मीडियम सॉरी साउंड नीड्स अ फिजिकल मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रेवल एनी वेयर दैट्स वाई साउंड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव तो जो वेव्स ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट करती हैं उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल वेव और साउंड वेव हमारी कौन सी वेब है मैकेनिकल वेव तो आपके पास सवाल होना चाहिए कि सर ऐसी कोई वेव है क्या जो ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं करती हैं यस लाइट तो लाइट आपने देखी है लाइट वैक्यूम से ही ट्रेवल करके आती है हमारे पास आती कि नहीं आती है स्पेस स्पेस से लाइट ट्रेवल करके हमारे पास आती है जिसमें बहुत सारा वैक्यूम उसको सफर करना पड़ता है अर्थ में तो बाद में आती है एटमोसफियर में आना पड़ता है ना हाँ ठीक है तो सफर सफर मतलब एक ट्रेवल करना पड़ता है समझ में आया तो लाइट वहां से लेकर के हमारे पास यहां पे आती है तो लाइट कौन सी वेव है तो ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब्स आइए बच्चों देखते हैं बहुत सारी हैं बताऊंगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब में टोटल सात वेव्स हैं कौन सी वेव्स है? हैं सात वेव्स हैं सेवन वेव्स हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब में क्लास ट्वेल्थ में आप लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब में सबसे छोटी वेव जो होती है ई वेव बोलते हैं इसको और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे छोटी वेव जो पहले नंबर की वेव है जिसका नाम है रेडियो वेव कौन सी वेव बेटा रेडियो वेव सेकेंड नंबर पर आती है बेटा जिसका नाम है माइक्रोवेव कौन सी वेव है माइक्रोवेव ठीक है, है, है? ना तीसरे नंबर पर आती है बेटा जिसका नाम है इंफ्रा चौथे नंबर पर आती है बेटा विजिबल पांचवे नंबर, पांच नंबर पर है बच्चों अल्ट्रावायलेट यूवी रे लिखने की जरूरत नहीं, नहीं है बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है ये बस सुन लो और फिर आती है कौन सी एक्स रे एंड एक्सरे के बाद आती है बच्चों गामा रे तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है इतने प्रकार की वेव जो होती है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो ना ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती इनमें ये ऐसी वेव हैं जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो बिना मटेरियल के बिना मीडियम के ट्रेवल कर जाती हैं ना, है ना और ये सब की सब लाइट की स्पीड से चलती हैं स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलती हैं लाइट की स्पीड से थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड डन चलो गामा रे हाईली पेनेट्रेटिंग ओके इधर देखिए वेव दैट रिक्वायर मीडियम टू प्रपोगेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन दबसेंस ऑफ अ मीडियम ओके साउंड जो होता है यस वॉट ऐसा कोई सिंबल नहीं है चलिए ओके डन अब देखिए एक्टिविटी टू शो साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रपोगेशन यहाँ पर एक एक्टिविटी है तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ से एक्टिविटी टू प्रोपोगेट एक्टिविटी टू शो नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन